हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अहमदाबाद का जो रिज़ल्ट आया है आरआरबी जेई का, उसका कितना कट ऑफ गया है, कैसे आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है और क्या रही ओवरऑल रिज़ल्ट की ये अदर स्टेट से या फिर अदर सिटी से ज़्यादा है या अदर से कम है, हम सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर अभी आपने जो है अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा है। तो अदर जोन वाले भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि कितनी कट ऑफ जो है अहमदाबाद जोन से जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, आपको सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नियर DRM ऑफिस अहमदाबाद, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन CBT वेरियस पोस्ट लाइक JEE DMS NCMA अगेंस्ट CN नंबर 03/2018। जहाँ ये फर्स्ट स्टेज है CBT का एग्ज़ाम जो इन्होंने पास किया है उसकी जो है शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट है जो सेकेंड राउंड में जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हाईलाइट दिया हुआ है द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन CBT फॉर वेरियस पोस्ट, जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 28/8 से लेकर 1/9 तक। जी हाँ दोस्तों, लगभग आज 16 तारीख हो चुका है और आपके पास लगभग 10 दिन का समय बचा है राउंड फिगर में। तो आपके पास 10 दिन का समय है, आप अपनी स्टडी को और फास्ट कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड स्टेज थोड़ा टफ आने वाला है। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको। कम्बाइंड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू अपीयर इन सेकेंड स्टेज CBT फॉर द पोस्ट ऑफ JEE DMS एंड CMA। तो ये कम्बाइंड लिस्ट है जिसमें 32 पेजेस हैं, आप इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हैं ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स में पास हुए हैं, हम उसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक 26, 28, 30, यहाँ देख लीजिए एंड ऑफ द लिस्ट टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 5,958, यानी लगभग 6,000 या फिर राउंड फिगर आप अगर पकड़े तो 6,000 जो स्टूडेंट्स हैं इसमें पास हुए हैं। और एग्जैक्ट अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 5,955 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है सेकेंड स्टेज यानी सेकेंड राउंड के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को स्मार्ट नौकरी चैनल से की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड CBT एग्ज़ाम। अब बात कर लेते हैं आपको कट ऑफ के बारे में कि ऑफिशियली कट ऑफ कितने गई है। जो कट ऑफ है देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर वेरियस कैटेगरी फॉर पोस्ट। तो देख लीजिए कैटेगरी नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम, कैटेगरी नंबर 2 से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनरिजर्व की कैटेगरी गई है 53.25 पे, SC वालों की गई है 35, ST के लिए गई है 41, OBC वालों के लिए गई है 39। अब कैटेगरी नंबर 3 पे आ जाते हैं तो उसमें देखिए अनरिजर्व की जो गई है वो गई है 45, SC की 31, ST की 33, OBC की 31। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ कम ही है। अब कैटेगरी नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे 44.99, SC के लिए 30, ST वालों के लिए 33, OBC के लिए 31। यहाँ पे आपने एक चीज़ देख लिया है, यहाँ पे ST की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है कंपेरिजन SC और OBC की तरह। तो यहाँ पे ST की संख्या कम थी लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा हो गए। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 13 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.06 जो है अनरिजर्व की गई है, 32 गई है SC वालों की। कैटेगरी नंबर 17, 38, 40, 44, 53, इस प्रकार आप देख सकते हैं टोटल जितने भी हैं पूरा कट ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देते हैं, देख देख के देखिए मैं आपको लास्ट वन बता देता हूँ, अगर मैं पूरा बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट में बताते हैं। आप इस PDF फाइल को ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट या MajiNaukri.com से भी, कहीं पर भी आप जाइए अभी भी रिजल्ट अवेलेबल है। ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप 27 अगस्त से पहले जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए लास्ट का मैं बता देता हूँ, 67 वाला 75 गई है कट ऑफ, 63 गई है SC वालों की, OBC ST के लिए 55, OBC के लिए 71 और एक्स सर्विसमैन के लिए 49 और RLD जो था वो 32 गए हैं। तो
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी और ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों स्मार्ट नॉलेज चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में RRB JEE से संबंधित नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।